हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोयास न्यूट्री लाइफ। आज हम लोग बनाएंगे मटन बिरयानी। तो ये देखिए, मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनेगी। सिक्स हंड्रेड ग्राम्स मटन लेकर अच्छे से धोकर उसे एक प्लेट में रख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून मिर्ची, तीन हरी मिर्ची चॉप्ड, हाफ टीस्पून काली मिर्ची, दो टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून धनिया पाउडर। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स मटन में डालकर अच्छे से मिक्स करिए। एक कप दही डालिए और अच्छे से मिक्स करिए। देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम कुकर में डालेंगे। एक टीस्पून हल्दी डालिए, एक टीस्पून नमक डालिए, दो लेमन जूस डालिए, एक कप ऑयल डालिए। मटन को अच्छे से गला लीजिए। मटन 80-90% पकना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 600 ग्राम्स बासमती राइस। बासमती राइस को अच्छे से धोकर 5 ग्लास पानी डालकर उसे पका लीजिए। चावल को 80% पकाना है, बाकी का वो दम पर पकेगा मटन के साथ। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून शाजीरा, तीन दालचीनी, नमक स्वाद अनुसार डालिए। जो पानी एक्स्ट्रा है उसे निकाल दीजिए। निथारने के बाद 50% चावल निकाल कर दूसरे बर्तन में डालिए। अब हम लेंगे दो प्याज, आप उसे चॉप कर लीजिए और फ्राई करिए, और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते ले लीजिए, और ज़ाफ़रानी कलर थोड़ा सा डालिए, धनिया और मिंट डालिए। जो प्याज फ्राइड है अब हम उसे डालेंगे ऊपर से। जो पका हुआ मटन है वो उसके ऊपर अच्छे से डालिए। बाकी का 50% चावल ऊपर से डालिए और ज़ाफ़रानी कलर थोड़ा सा डालिए, धनिया और मिंट डालिए। जो प्याज फ्राइड है अब हम उसे डालेंगे ऊपर से। लो फ्लेम पर रखिए बिरयानी को। 5 मिनट के लिए दम पर रखिए। आपकी बिरयानी तैयार है और अच्छे से मिक्स करिए। हमारी हैदराबादी मटन बिरयानी तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, ये बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज लग रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई न्यू वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।